दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अगेन. एंड दिस प्लेस वेयर वी आर राइट नाउ इज लीडिंग अस टू अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, बूटा पथरी. बूटा पथरी गुलमर्ग से 8 किलोमीटर दूर है और ये बहुत शोर डाल रहे फैमिली वाले पिक्चर्स के लिए, और गुरवीर हमारा सबके पिक्चर्स ले रहा है. और अभी हम गुलमर्ग से होकर आए, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था तो हमने सोचा थोड़ा टाइम हम सीरिनिटी और शांति में बिता कर आते. तो बूटा पथरी जो है अभी यहाँ से आई थिंक 1 ही किलोमीटर दूर है. और हेयर यू गो, कितना ब्यूटीफुल सी ये लोकेशन है. और चलिए जी, मुझे बुला रहे हैं पिक्चर्स के लिए, अभी हम कंटिन्यू करते हैं. सी दिस वे, इट्स सो ब्यूटीफुल. दोस्तों, ये एरिया जो है वो इंटायरली आर्मी के अंडर है, और यहाँ पर आने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ के SHO की, और उसके बाद परमिशन लेने के बाद यू कैन गो टू दिस प्लेस इजीली. सो दोस्तों, ये है बूटा पथरी, और ये अभी आप देख सकते हो यहाँ पर. इसको आई थिंक बूटा पथरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बूटा इज ट्रीज एंड पथरी इज पत्थर. सो मे बी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज एंड ऑफकोर्स स्टोन एंड वाटर. और यहाँ पर ये छोटे छोटे हट्स बनाए हुए हैं इन्होंने बैठने के लिए. और ये है यहाँ पर कुछ 5-6 स्पॉट्स हैं देखने के लिए. यहाँ से हमने अभी ऊपर जाना है इस तरफ, और ये जो है ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है. और ये पानी इतना ठंडा है कि हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस है, और अभी हवा भी इतनी ठंडी है. यहाँ पर टेम्परेचर मुझे लगता है 14-15 डिग्री होगा इस वक्त, जबकि श्रीनगर सिटी का टेम्परेचर जो है 34-35 रहता है. और इट्स प्लीजिंग हेयर, इट्स कूल हेयर एंड इट्स सूदिंग हेयर एज वेल. तो थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पर. यू कैन हेयर द शोर शराबा ऑफ दिस रिवर. अच्छा, ये है क्या, ये निंगली नाला है दोस्तों, वाटर फ्रॉम आला पथरी. ये अल पथरी से पानी आता है यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो आप देख रहे हो छोटा सा स्पॉट है, वहाँ पर आपकी चाय मैगी पहाड़ों की मैगी अगेन मिलती है. यू गो. और हाँ, 5 बजे तक यहाँ पर रह सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जो है आप नहीं रह सकते. यू हैव टू लीव दिस प्लेस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि इससे थोड़े से पास में ही वो देखिए वो जो चेक पोस्ट अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आर्मी की चेक पोस्ट है, और इसके दूसरी तरफ में पाकिस्तान शुरू हो जाएगा. तो इसलिए इट्स क्वाइट यू नो सेंसिटिव एरिया. तो रात को 5 बजे के बाद तक आपका अलाउड नहीं है. तो ये देखिए, ये पहाड़ों की मैगी खाती हुई और पहाड़ों की मैगी की पिक्चर लेती हुई. So let's go and check this spot. तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हो यहाँ पर बारिश आने वाली है, और सबसे अच्छी बात इस जगह की ये है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है, तो आप बिल्कुल जो है वो लाइफ से कट ऑफ हो जाते हो. तो ना कोई टिंग टिंग, ना पिंग पिंग, ना कोई फोन, नथिंग. एंड यू जस्ट इंजॉय दिस ब्यूटिफुल नेचर. एंड आई मस्ट से अबाउट कश्मीर दैट हेयर इज गॉड्स प्लेंटी. यहाँ पर everywhere you will go and you will find the beautiful serene places where you can go and mesmerize yourself. तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल पानी के बीच में खड़ी हूँ, और इससे ज़्यादा क्लियर करने की मेरी कैपेसिटी, और मैं खड़ी हूँ पत्थर के ऊपर आगे पानी के बीच में, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा दोस्तों. मैं अपने शूज भी नहीं खोलना चाहती. और इसके बाद हम ये जो पार्ट अभी आप देख रहे हो यहाँ से जहाँ गाड़ी आ रही है, अभी यहाँ पर थोड़ा ट्रैक करके जाते हैं ऊपर. लेट्स सी वहाँ पर क्या है. ये है एक और प्राणी अकेले जाते हुए. आई थिंक अब यहाँ पर ये जो लोकल लोग हैं यहाँ के नेटिव्स, ये उनके घर होंगे पक्का ऊपर वाली साइड, क्योंकि वो एक अंकल ऊपर से चल कर आ रहे मस्त भी. और ये है, मन तो कर रहा है मैं ऊपर जाती जाऊँ, लेकिन चले थोड़ा सा और चल लेते हैं जब बुलाएं. अच्छा, ये पानी कहाँ से आ रहा है. बारिश यहाँ पर किसी भी टाइम स्टार्ट हो जाती है. लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आफ्टर यू नो फ्यू मिनट्स बारिश हो गई थी. और हाँ, यहाँ पर एक ज़ियारत भी है अंकल. यहाँ पर ज़ियारत कहाँ पर है, कितने दूर है. दूर है, 1-2 किलोमीटर है. ठीक. तो वो ज़ियारत तो काफ़ी दूर है, हम ज़ियारत में तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि
वो चलेंगे नहीं, और सब मुझे देख रहे हैं, मेरे घर वाले, और ये मेरी दी का हाथ आ गया कि वापस नीचे आ जा, शी इज कॉलिंग मी कमिंग, आई 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 आई। हाँ अब आगे बहुत खतरा है दोस्तों मेरी जान को, तो आई हैव टू गो बैक। तो यहाँ पर आगे लोग जाते हैं, एक ज़ियारत है उसको देखने के लिए, और ये पानी का मेन सोर्स पहाड़ी होंगे। तो चलें लेट्स गो अगेन, और बस अभी आप ये वेदर देखिए कितना अच्छा है, ब्यूटीफुल। हाँ वन कैन कम एंड सिट हियर फॉर एवर, नॉट फॉर एवर बट ओनली टिल 5 PM, आफ्टर दैट यू हैव टू लीव। और वैसे भी रात को मुश्किल हो जाता है थोड़ा माउंटेन्स में रहना, क्योंकि जंगली जानवर भी होते हैं और जंगली इंसान भी होते हैं, इसलिए ये है इसका टॉप। आई ऑलवेज लव हराइजन एंड जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, चाहे वो सी और स्काई का हो, चाहे वो माउंटेन्स और स्काई का हो, हराइजन हैज़ ऑलवेज अ ब्यूटिफुल अपील। चले इसी के साथ बूटा पथरी का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और कभी आप गुलमर्ग आएँ तो पहले ही ना SHO गुलमर्ग की आप परमिशन ले लीजिएगा, वो जहाँ आपका मेन पार्किंग स्लॉट पार्किंग है वहीं पर पुलिस स्टेशन है, तो आप परमिशन लेकर आराम से यहाँ पर आएँ। गुलमर्ग से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम तो अभी यहीं तक ही आए हैं इस पार्ट तक, तो इसके आगे जैसे कि मैंने आपको बताया एक ज़ियारत भी है, और वहाँ पर आप जा सकते हो, एंड यू कैन ऑलवेज कम एंड इन्जॉय द ब्यूटिफुल वेदर। चलें जी इस ग्रीन टनल के साथ और इस ब्यूटीफुल स्काई के साथ मैं आपको छोड़ देती हूँ, थैंक यू एवरीवन। दोस्तों यहाँ पर एक गाना तो बनता है कि ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे जाने जा, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले जिंदगी मिल गई, मेरे जाने जा मैं तेरी चांदनी, जन्मों से आज पूरी प्यार की रागिनी। दोस्तों ये जो मूवी है ना रोजा मूवी, आप देखना, इट इज ऑल्सो टेरिफिक मूवी विद अ वेरी सैड स्टोरी, और ये यू नो कश्मीर कन्फ्लिक्ट टाइम्स वाला जो कश्मीर था ये उसकी स्टोरी है, और इट्स वेरी ओहो टेरिफिक मूवी। इसके सॉन्ग्स सारे ही बहुत अच्छे हैं, ये हसीन वादियां भी अच्छा है, रोजा जाने मन वो भी बहुत अच्छा है, आप ये मूवी देखना, मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ रोजा मूवी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मस्ट वॉच मूवी, फुल ऑफ इमोशंस। और दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, नाउ आई हैव टू रन, तो वी हैव टू रन। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर बारिश जो है बस 10-15 मिनट बाद बारिश आ जाती है, अभी भी आप देखेंगे सारा गीला ही है, तो फिर रुक जाएगी, फिर थोड़े टाइम के लिए फिर दोबारा बारिश आ जाएगी, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे जैसे ही बस बरसों रे मेघा मेघा तैयारी रहते हैं बरसने के लिए। दोस्तों जैसे बारिश स्टार्ट होगी हम सब तो भाग जाएंगे, लेकिन ये जो यहाँ के नेटिव्स हैं ये यहीं पर रहेंगे, क्योंकि पोनी वाले हैं, शॉप्स वाले हैं। तो अभी मैं एक चीज़ सोच रही थी कि यू नो अभी हम आते हैं यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए, 1-2 घंटा यहाँ रुकेंगे, इन्जॉय करेंगे, है ना, और फिर हम चले जाएंगे, तो हमें तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इनके लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस यू नो डिस्टर्बिंग वेदर वाला इन्वायरमेंट, तो बट दिस इज़ देयर लाइफ। और जी बारिश हो गई है तेज़, उन सानू पैना नसना, तो असी हूँ चले अपनी गड्डी बैठने, हाँ जी उनका भी शायद मैगी का हो गया है, तो लेट्स गो। बूटा पथरी का लास्ट पॉइंट, ये जो ज़्यारत है जहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन अभी यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो वी कांट स्टॉप हियर, सो वी आर गोइंग फ्रॉम हियर ओनली। तो अभी आप ये देख सकते हैं ये ज़्यारत है जो मैंने आपको दिखाया, एंड दिस इज़ अ वे टू बैक टू होम। अब हम बूटा पथरी से गुलमर्ग जा रहे हैं वापस, और अभी अभी देख सकते हैं ये नगीन वैली है, और यहाँ पर ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो ना बंचेज, ये एक्चुअली
लीव्स हैं, ये लीव्स ऐसे लग रहे हैं कि फ्लावर्स हैं बट दे आर एक्चुअली लीव्स विच आर ग्रीन एंड येलो इन कलर। तो अभी यहाँ पर बारिश हो रही है तो हम उतरेंगे नहीं नीचे, तो अभी मैं आपको गाड़ी से व्यू देती हूँ, देन लेट्स गो एंड रीच गुलमर्ग। पथरी से आ चुके हैं गुलमर्ग में और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे स्टोन स्नो क्लेडेड माउंटेन्स, और ये देखें इस तरह से है गुलमर्ग के बड़े बड़े मैदान। हियर यू गो, यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल हियर। और दोस्तों एक एडवाइस, जब भी गुलमर्ग आना है तो आप पहले ही जो बुकिंग है वो करवा लेना। हमारा एक्चुअली प्लान अचानक बन गया तो हमारा आने का कोई स्कोप नहीं था, लेकिन प्लान अचानक बनने की वजह से हम ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा पाए और जितने भी अच्छे वाले होटल्स हैं सभी सोल्ड आउट हैं। और एक यहाँ बड़ा सा होटल था, मैं लास्ट टाइम स्टे किया था नीडोस, सब स्टे आउट सोल्ड आउट है, यहाँ पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। तो वी हैव टू गो बैक टू श्रीनगर और थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे लंच कर फिर हम वापस श्रीनगर चले जाएंगे। तो अचानक आने का यहाँ पर कभी प्लान बने तो आप सिर्फ डे टाइम के लिए आएँ, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, तो इसलिए सभी जो अच्छे वाले होटल्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। तो जब कभी भी आप आएँ तो एक आपके लिए एक और चीज़ है कि आप यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो इनकी वेबसाइट है jkttc.in, वहाँ पर आप गुलमर्ग होटल चेक करना और वहाँ पर आप जो इनके jkttc के जो हट्स हैं आप वो बुक करवा सकते हैं, वो काफ़ी अफोर्डेबल हैं और होटल्स के कंपैरिजन में भी उसके जो रेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पर आपको जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है और काफ़ी देर पहले, तो वैसा करवा कर आप अभी आएँ चलें।